ये माइनक्राफ्ट की दुनिया है, बड़ी अतरंगी और जादुई। इसमें तो स्टीव जब भी जाता है तब उसको दिखती है बहुत सारी चीज़ें। एक घास जिसको अपने खुद से ही मेहनत करके अपना घर बनाना पड़ता है, पेड़ काट के वो अपना घर बनाता है, और फिर उसके बाद जब वो घर बना लेता है, घर बनने के बाद वो एक पाल लेता है एक प्यारा सा डॉगी, और डॉगी पालने के बाद अब उसे लगती है भूख। अब वो खाना कहाँ से लाएगा? तो खाने के लिए वो थोड़ा सा और घूमता है, चलता रहता है चलता रहता है। फिर उसे दिखता है एक विलेजर, जो विलेजर के पास जब वो जाता है तब उसे बोलता है हेलो विलेजर, और विलेजर उसको जवाब में क्या देता है, आंसर में ऐसा लग रहा है भाई थैंक यू बोल रहे हैं कि हेलो बोल रहे हैं, समझ नहीं आता। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्टीव के बाल हैं थोड़े लंबे से, आंखों में इतना गुस्सा, और हर टाइम वो एंडरमैन को, स्केलेटन को और जॉम्बी को मारने के लिए रहता है तैयार। फिर ऊपर जब वो आसमान में देखता है तब उससे दिखते हैं सुंदर सुंदर बादल, जो कि काफ़ी अलग अलग शेप के हैं। फिर एक बार जब अपने विलेज में सो रहा होता है, उसकी और विलेजर की दोस्ती हो जाती है, तब वो देखता है एंडरमैन। एंडरमैन उसके चारों तरफ घूमता है, वो देखता है ये ब्लैक ब्लैक सा क्या है, ये मुझे घूमता हुआ मच्छर तो नहीं लग रहा। विलेजर, अरे वो मच्छर नहीं है, वो एंडरमैन है, उसकी आंखों में देखोगे नहीं, क्योंकि फिर वो हमला करते हैं। हीरोइन, मैं थोड़ी ना डरता हूँ, मैं तो उसकी आंखों में देख रहा हूँ। अब क्या, मुझे आ गया गुस्सा, और ये मैंने अपनी स्लॉट उठाई और चढ़ा दी जोर से। एंडरमैन, तू तो ख़त्म हो गया एक बार में, और एंडरमैन का आ गया ही। तो यहीं पर हो जाती है एंडरमैन की कहानी ख़त्म। फिर स्टीव जाता है सुबह गुफा में, गुफा में देखता है, गुफा में लेने जाता है स्टोन्स, रेड स्टोन्स। गुफा के अंदर जाता है तो वो देखता है एक बड़ी सी गुफा, जिसके अंदर वो जैसे आगे बढ़ता है टॉर्चेस लगाता जाता है, उसमें होते हैं रेड स्टोन जो एकदम लाल होते हैं चमकते हुए, ग्रेनाइट जो घर बनाने में काम आते हैं, रेड स्टैंड स्टोन्स जो रेल की पटरी बनाने में मज़ा आते हैं, और इससे भी मज़े बात उसको मिलती है एक मिस्टर मकड़ी जैसे बुद्धि अपनी गुफा में। ओहो, इस काली गुफा में कौन आया है जिसने इतनी रोशनी कर दी, ये कौन है, ये तो कुछ अलग सा मेरे को प्राणी सा दिख रहा है। अरे ये तो यहाँ पे मेरे स्टोन्स, रेड स्टोन्स, ग्रेनाइट और सब कुछ लेने के लिए आया है, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मारूंगी। तो मकड़ी अपने चार पैरों से धीरे धीरे चलती है, टिक 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 टिक, और उसे पीछे से बोलती है हेलो स्टीव, हाउ आर यू। स्टीव, आप कौन, मुझे नहीं जानते, मैं हूँ मिस्टर मकड़ा, इस गुफा का राजा। अब तू मेरे साथ खेलना पसंद करेगा या मुझे मारना, चल तू अपने स्टोन तो थोड़ी देर में ज़रा लंच करके आती हूँ। स्टीव, हाँ जाने दो, मामूली सी मकड़ी तो है। तो स्टीव थोड़ा और आगे बढ़ता है, अरे ये क्या, ये आगे से लाल चमकती हुई आँखें किसकी है, मकड़ी, अरे मिस्टर मकड़ी, ये मैं ही तो हूँ स्टीव, जिससे तुझे थोड़ी देर पहले मेरा भाई मिला था। अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं जल्दी से रेड स्टोन ग्रेनाइट लेके भाग जाता हूँ, उन्हें मुझे छोड़ेगी नहीं। तो स्टीव ने निकाली अपनी स्लॉट और ये मार दिया मकड़ी को, हाँ बहुत मज़ा है, और तो मकड़ी फिर भी नहीं मरी। आखिर ये होती इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है कि पीछे ही नहीं छोड़ती, उनको खेलते खेलते दो या दो घंटे लग ही जाते हैं मारने में। फिर मैंने एक मारा, दो मारा, तीन मारा, चार मारा, और लो मकड़ी मर गई। फिर जब मैं स्टोन सोले के विलेजर के पास दोबारा आता हूँ तो देखता हूँ कि विलेजर जो है वो थोड़ा सा उदास है, मेरे सारे कैरेट और पोटैटो वाटर वो नालायक सा ज़ॉम्बी ख़राब करके चला गया, कितनी बार उसे बोला है, रखवाली के लिए मैंने रखा था कि तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना, तो वो मानता कहें, हमेशा मेरी चीज़ों को बिगाड़ देता है। और गॉब्लिन वो खड़े खड़े अपनी एक्सरसाइज करता रहता है, कुछ करता ही नहीं है, बस देखता रहता है। तो लो कहानी भी यहाँ पे हो गई पूरी, और बनते बनते हमने अपनी ड्राइंग भी बना ली, तो माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया ही बना दी।
स्टीव मकरी ग्लेजर हाउस, छोटा सा पेपर लिया उस पर ही बना दिया, थोड़ा बड़ा होता तो और बनाते हैं। अब मैंने इसमें कर दिए थोड़े रंगीन कलर ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे हमारी कहानी में। और ये स्टीव की हो गई डरावनी आँखें, सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको विलेजर मकड़ी और स्टोरी कैसे में मज़े आए, तो लाइक और शेयर करना और कमेंट्स में बताना। थैंक यू।